पड़ोसी रियासतों में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के बयान पर एक नया तनाज़ा शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर जारी इस वीडियो पर शदीद तनकीद की जा रही है, जहां पर वज़ीर आला ने दावा किया कि हुक्मरान जमात ने आवाम से किए गए वादों को पूरा किया है, ताहम हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इख्तदार में आने से कबल रियासती आवाम को 6 गारंटी की इस्कीमात देने का वादा किया था, मगर अब तक इन वादों की तकमील एक ख्वाब बनकर रह गई है। इस तरह की बयानबाजी तेलंगाना के आवाम के लिए मायूसी का बाइस बन रही है, जो हुकूमत के वादों की तकमील का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है और ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आया हुकूमत की जानिब से किए गए वादे कभी पूरे होंगे या भी नहीं। एमएसपी के साथ साथ 500 रुपए बोनस हम दे रहे हैं, हर किसान के खाता में हम लोग 500 रुपए अभी डिपॉजिट करते जा रहे हैं एक मेट्रिक टन के लिए। तो ये सब सारे जो गारंटी हम लोग तेलंगाना राज्य में दिया हुआ है चुनाव से पहले, ये 11 महीने में ये सब सारे लागू किए।